आइए, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिगरेट तंबाकू छोड़ने के टिप्स कौन से हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगी हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोगों को सिगरेट की आदत है, सिगरेट पीते रहते, स्मोकिंग करते रहते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसमें पान मसाला बीड़ी गुटखा इसकी भी आदत है, और लोग 10 से लेके 20-30 सिगरेट रोज के आसानी से पी लेते हैं और खर्चा भी काफ़ी सारा हो जाता है। इसमें उनको छोड़ने की इच्छा तो होती है, मगर हमारे ब्रेन पैटर्न जो है वो इतने पक्के बने हुए हैं कि वो समय आ गया, वो इच्छा हो जाती है, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, और फिर वो वहाँ रहा नहीं जाता और कुछ भी सुनने को आदमी तैयार नहीं रहता। वो जाके सिगरेट ले लेंगे या तंबाकू खाएंगा या गुटखा और खर्रा ले लेंगे। तभी ये कैसा करना है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेचुरल टिप्स मैं आपको देता हूँ। आपने क्या करना है कि इसके बारे में कि भाई मुझे सिगरेट छोड़ना है, सब लोगों के सामने एक बार घोषणा कर दो। जो भी आपके नज़दीक के लोग हैं, करीब के लोग हैं, उनको बोलो कि मैं आने वाली 1 तारीख से या 15 तारीख से मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूँ या तंबाकू छोड़ने वाला हूँ। क्या होता है कि जब आप घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, लोगों को बोलते हैं, तो फिर वो लोग आपको होल्ड अकाउंट करेंगे, पकड़ लेंगे जब आप पियेंगे तो, या आपको पूछेंगे, तो आपका जो इरादा है वो आप पब्लिक कर लेते, घोषणा कर देते। नंबर 2, उसमें आप ये देखना है कि भाई उसकी तारीख भी आप बोल दो कि तारीख और वार कौन सा रहेगा। यूजुअली वो आपका हो सकता है कि मैरिज एनिवर्सरी है, या बर्थडे है, या बच्चों का बर्थडे है, या वाइफ का है, मतलब ऐसा कोई भी अच्छा दिन है। फिर आपने क्या करना है कि उस समझो 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में आप छोड़ने वाले हैं, तो आप समझो 10 पीते होंगे सिगरेट, तो फिर धीरे 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 आपको वो दिन तक थोड़ा थोड़ा छाँटना चालू करना है, कम पीना चालू करना है। हो सकता है कि आप 10 के बदले तब तक 5 पे पहुंचे होंगे, तो फिर आपको कम कम करते जाना है ताकि आपकी तैयारी हो जाएंगी। फिर आप जब जिस दिन आप सिगरेट छोड़ने वाले हैं उस दिन फिर आपने थोड़ा सा उसको एक ऐसा एक सेलिब्रेशन जैसा या ऐसा कुछ ड्रामा पार्टी करते हो कि जैसे सिगरेट के कुछ पैकेट जो खाली पड़े हैं वो लाते हो, वो बंद कर देंगे, या बची हुई सिगरेट जो है वो ला के बंद कर देंगे, या तंबाकू का या गुटखे का डब्बा होगा, या ऐसा, और सब लोगों को जमा करके उसका एक फंक्शन कर लेते हैं, ताकि उसका इरादा ये है हमारा बोलने का ये कि लोगों के सामने जब आप डिक्लेयर करते हैं, उनके सामने सब ये ड्रामा पार्टी करते हैं, तो लोग आपको होल्ड अकाउंट करेंगे, आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं अभी मैंने इतना किया हुआ है तो अभी मैंने बंद करना चाहिए करके। तो ये आपको एक ड्रामा करना है, एक नाटक करना है, एक सेलिब्रेशन करना है कि जिस दिन आप छोड़ रहे उस दिन सब ऐसा एडजस्ट करना। अच्छा, इसके साथ में समझो आप कुछ दवाइयाँ लेते होंगे, दवाइयाँ बंद करनी नहीं है मगर दवाई कुछ चालू कर सकते हैं, जैसे कि समझो कुछ दवाइयाँ ऐसी है मेडिसिंस साइकेट्री में कि वो बार बार इच्छा जो होती है, बार 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 विचार जो आता है उसको, विचारों को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे SSRIs है तो आप चालू कर सकते हैं, या फिर निकोटीन का जो एंटी निकोटीन जो दवाइयाँ है कि जिसमें वो आपको वो गोलियाँ दवाइयाँ जो है कि जबान के नीचे आप रखते हो और धीरे 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 वो हमारे मुँह में मतलब ऐसा रिलीज हो जाएंगी, और उसका असर जो है वो जो मेडिसिन है उसका असर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे अपने बॉडी में आ जाएगा, और उसका इफेक्ट जो है वो करीब करीब आधा 30% 25% रहता है जो हम सिगरेट लेते उससे, ताकि एकदम जो विड्रॉल आता है वो विड्रॉल आएगा नहीं। तो ऐसे कुछ दवाइयाँ आप चालू कर सकते हैं उसके साथ में, जिससे थॉट्स कम हो जाएंगे बार बार आने वाले, यदि वो OCD लेवल तक का है तो, मतलब ऑब्सेसिव लेवल तक का है तो, और दूसरा कुछ एंटी निकोटीन। इसके साथ साथ यदि आप कुछ ऑब्सेशन यदि होगा, मतलब बार बार वही विचार आते होंगे, तो आपने दवाइयाँ चालू करना है। दवाइयाँ कौन सी चालू करना है? SSRI टाइप जो दवाइयाँ वो चालू कर सकते हैं आप, कि जिससे वो विचार कम हो जाएंगे और इच्छा कम हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो है कि निकोटीन की कुछ टैबलेट्स आती है कि जो हम यदि हमारे जुबान के नीचे रखते हैं तो धीरे 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 निकोटीन रिलीज होता है, जिससे जो सडन विड्रॉल आता है वो आएगा नहीं। तो वो गोलियां आप चूस सकते हैं, और वो चूस के मतलब धीरे 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 उसका रिलीज होता है तो जो विड्रॉल आता है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी दवाएं भी आप चालू कर सकते हो उसके साथ में। फिर हमको ये देखना है, एक बार तो हमने भी डिक्लेयर कर दिया, बोलना कि आज से अभी हमने छोड़ दिया है सिगरेट, तो अभी क्या करना है? अभी हमको देखना है कि भाई 5 D 5 D's हम बोलते हैं वो करो, 5 D's। तो 5 D's क्या है? जब जब आपको सिगरेट पीने की इच्छा हो जाएगी तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट करना है मतलब
जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के कुछ तो भी अपना मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा काम करना चालू करना है, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है। समझो कोई गाना सुनना चालू कर दिया, या कहीं किससे बात करना, या कोई फोन करना है किससे, मतलब जो हमको अच्छा लगता है वो काम हम चालू कर देते हैं तो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, समझो अभी पीने की इच्छा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और पीना ही है समझो, तो फिर हमने उसको डिले करना है। डिले करना है मतलब क्या है कि ठीक है अभी मैं ऐसा करूँगा कि अभी मैं एक घंटे के बाद में पीऊँगा सिगरेट, या एक घंटे के बाद में तंबाकू खाऊंगा, ऐसा अपने आप को जताने का है। एक्चुअली अपने आप को चीटिंग करना है, चीटिंग मतलब अपने को एक घंटे बाद लेना नहीं है, अपने को समझाने का है कि मैं भी एक घंटे बाद करूंगा, ताकि वो जो इंटेंस डिजायर हो रही है पीने की या खाने की, वो इंटेंस डिजायर को हमको वहाँ टेम्पररी कुछ तो भी हॉल्ट करवाने का है। तो हमको डिले करना है, दूसरा हमको डिस्ट्रैक्ट करना है मतलब हमारा मन इधर उधर भटकाने का है, फिर तीसरा हमको डीप दीर्घ संबोधन या दीर्घ सांस लेने की है, डीप ब्रीदिंग करने की है। ऐसे डीप ब्रीदिंग दीर्घ श्वास अंदर लेते हैं और दीर्घ श्वास बाहर छोड़ते हैं, आराम आराम से अंदर लेना, आराम आराम से छोड़ना, ऐसा हम बैठ के आंखें बंद करके ऐसा करते हैं तो उससे भी काफ़ी आपको आराम हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएंगे और जो विड्रॉल सिम्टम है वो कम हो जाएंगे। फिर चौथा है कि पानी पीना, आप यदि एक गिलास या दो गिलास ठंडा पानी पीते हैं तो उससे भी आपकी सिगरेट पीने की इच्छा या तंबाकू खाने की इच्छा कम हो जाएंगी, आपका पेट भर जाएगा और आपको जरा थोड़ा रिलैक्स महसूस। और फिर पांचवा जो है वो हम किसके साथ में डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन मतलब बातचीत करेंगे, कोई किसके साथ में कोई और टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, या कोई इसके कहीं से दुरुपयोग है मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, मतलब ऐसा कुछ तो भी डिस्कशन हम लोगों के साथ में करेंगे। तो पहला हमने देखा डी मतलब डिस्ट्रैक्ट है, दूसरा है डिले, तीसरा है डीप ब्रीदिंग, चौथा है ड्रिंकिंग और पांचवा है डिस्कशन। तो ये हम जब जब याद आती है तब ये करने वाले हैं। अभी सवाल ये आता है कि ये तो हमने छोड़ तो दिया, बिल्कुल आज तो दिन भर में हमने बिल्कुल प्रण कर लिया और कैसे भी करके उसको आज दिन भर में लिया नहीं, छोड़ना बहुत ही आसान है, पकड़े जल्दी जाता है। लोग पूछते हैं कि भाई जब हम बोलते हैं ना कि अभी मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कितने घंटे छोड़ा या कितने दिन के बाद चालू करने वाले, ऐसे लोग पूछते हैं क्योंकि आपने पहले बार लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है, अपने आप को मूर्ख बनाया हुआ है। होता क्या है कि रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर रिलैप्स होने के चांसेस यदि ज्यादा है तो फिर हमको देखना है कि कहाँ कहाँ रिलैप्स हो सकता है और फिर वहां हमको टालना पड़ेगा। जैसा हम दोस्तों के साथ में जाते हैं जहाँ पार्टी है और पार्टी में आप मालूम है कि वहाँ पार्टी है, वहाँ सिगरेट पीने वाले लोग है और वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली अपने को भी सिगरेट पीने की इच्छा हो जाएगी, तो पार्टी डालना है। फिर दूसरा कंपनी, जो कंपनी में लोग सिगरेट पीते मालूम है उनके साथ में बैठक करना, गप्पे मारना, नहीं लोग बोलते कि नहीं हम वहाँ जाएंगे मगर पिएंगे नहीं, हमारा पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल है, पिएंगे नहीं। मगर मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई अग्नि के पास में घी रखा हुआ है वो तो पतला होने वाला है, तो अग्नि के पास में जाने का है वो हाथ जलने वाला है, तो हमको वो कंपनी डालने का। फिर तीसरा जो दारू पीने वाले, शराब पीने वाले जो लोग रहते हैं वो अक्सर सिगरेट पीते रहते, तो शराब पीने वाले लोग भी है उनकी भी कंपनी डालना है। नेक्स्ट इमोशंस, हमको जब ज्यादा इमोशंस आते हैं बहुत खुशी हो जाती है तो वहां फिर हम फिर से वो ब्रेन पैटर्न जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ज्यादा खुशी हो गई चलो अब सिगरेट पी ले, या कभी कभी ज्यादा दुख हो गया तो फिर सिगरेट पीना चालू हो जाता है, मतलब ज्यादा खुशी भी है ज्यादा गम भी है तो सिगरेट पीना, तो उसको हमने प्रेजेंट होना है कि जब जब ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट आते हैं ऊपर नीचे होने वाला उस समय रिलैप्स होने के पूरे चांसेस है, और उस समय हम लोगों के साथ में कैसे रहेंगे वो देखना है, लोग हम मतलब प्रिवेंट करेंगे जो हमको सिगरेट पीने से तंबाकू खाने से, तो उनके साथ में रहना होगा। फिर दूसरा है कि भाई कभी कभी हम अकेले रहते हैं और अकेले जब रहते हैं बोर हो जाते हैं फिर तुरंत सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, तो वो भी हमको करने का नहीं है, बोरडम जो है वो सिगरेट पीना हमको सिगरेट पीने को प्रवृत्त करता है। फिर नेक्स्ट कभी भी घर में भी रखने का नहीं है सिगरेट का पैकेट, कभी भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि लाके रख दिया पिएंगे नहीं ऐसा प्रण किया और लाके रख दिया तो प्रॉब्लम है, घर में भी और कोई पी रहा हूँ और आपने प्रण किया है तो पूरा चांसेस वो है कि जाके पी लेंगे, तो फिर घर में कोई स्टॉक उसका होना नहीं, कोई भी हालत में स्टॉक रखने का नहीं है। होता क्या है कि जब आप सिगरेट छोड़ देते हैं या तंबाकू छोड़ देते हैं एक मुंह को आदत लगी रहती है, एक मुंह को आदत हो जाती है उसके ब्रेन पैटर्न से, तो हमने क्या करना है कि जब जब उसकी याद आती है तो च्यूइंग गम लेना या कुछ माउथ फ्रेशनर लेना या कुछ चॉकलेट या पेपरमिंट की गोली खाना, ऐसा कुछ भी करते हैं तो फिर क्या होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है विचार कि नहीं कुछ तो भी होना तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, तो वो होना जरूरी है। हम ये भी और कर सकते हैं खुद को बख्शीश देना, प्राइज देना या रिवार्ड देना, क्या होता है कि आप
ने समझो सिगरेट छोड़ दिया, पूरा दिन निकल गया, तो अपने आप को कुछ ना कुछ बख्शीश दो। शाम को आप जो भी आपको अच्छा लगता है तो वो आपने उसके बाद में करना है कि चलो आज का दिन मैंने स्मोकिंग नहीं किया, तो मुझे मैंने खुद ने खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ ना कुछ बख्शीश देना चाहिए। शाम को अपने आप को बख्शीश दो, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो। खुद के मतलब खुद को अच्छा लगता है खाना, वैसा खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं खुद को अच्छे, तो या आइसक्रीम की गिफ्ट दे रहे खुद को, ऐसा कुछ भी गिफ्ट दे रहे, तो वो आपने खुद को रोज कुछ ना कुछ रिवार्ड अपने आप को देना। 7 दिन हो गए तो 7 दिन में आपने जितना भी पैसा बचाया होगा, या 1 महीना हो गया तो आपने जितना भी पैसा बचाया होगा, तो वैसे का कैलकुलेशन करके उतने का गिफ्ट अपने आप को देना। मतलब समझो आप 200 रुपये का स्मोकिंग कर रहे हैं रोज का, और 7 दिन हो गए तो 1400 रुपये हो गए, तो फिर 1400 रुपये का अपने आप को कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दे सकते हैं खुद को, तो उससे अपने आप को एक मोटिवेशन मिलता है और एक कंडीशनिंग, एक रिवार्ड थेरेपी जो है ना, वो एक अपना उसमें कंडीशनिंग होता है, एक रिवार्ड मिलता है, तो फिर उसका फायदा होता रहता है। फिर सुबह उठ के आप रोज डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, मैं ना आज का दिन, सिर्फ आज का दिन मैं सिगरेट पीने वाला नहीं हूँ, ओनली फॉर टुडे। क्या होता है कि मैं जिंदगी भर सिगरेट पीऊंगा नहीं, ऐसा मैंने प्रण कर लिया, तो मुझे बहुत बड़ा लगता है कि भाई जिंदगी भर सिगरेट नहीं पीना ऐसा कैसा संभव है। तो रोज आप सुबह उठते हैं और किसके से भी साथ में बात करके डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को बोलते हैं, या आप जिसको भी मानते हैं उसके सामने, भगवान है या और कोई अल्लाह है, जीसस है, उसके सामने खड़े रहेंगे कि भाई मैं आज प्रण कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आज का दिन सिगरेट पीऊंगा नहीं, सिर्फ एक दिन। फिर नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है कि क्या होता है कि सिगरेट बंद करने से गैस्ट्राइटिस वगैरह कम हो जाता है, तो भूख लग जाती है। अब ज़्यादा भूख लग गई, तंबाकू बंद करके भूख लग जाएंगी, भूख लगेंगी तो वजन बढ़ेगा, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। और वैसे ही जब आप स्मोकिंग बंद करते तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डल लगेगा, थोड़ा नर्वस डिप्रेस लगेगा, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, थोड़ा तजल आता है, एनर्जेटिक लगता है, उत्साहित लगता है, तो दोनों काम में एक्सरसाइज आएंगी, एक तो वजन बढ़ाने देंगी नहीं एक्सरसाइज, और दूसरा आपका जो डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, वो बाहर आने के लिए मदद करेंगी। तो हम इतना ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्मोकिंग, सिगरेट बोलो, बीड़ी बोलो, या जो भी गुटखा, तंबाकू, पान, तंबाकू जो भी खाते हैं आप, तो वो भी बंद होने के पूरे चांसेस हैं। मुझे पक्का विश्वास है ये टिप्स आपको काम में आएंगी और आपको जरूर अच्छा लगेगा, और आप जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं उनको सिगरेट तंबाकू छोड़ने में बहुत सहायता हो जाएगी। आपको पता है कि हमारे देश में जो ज़्यादा कैंसर जो हो रहे हैं, मुँह के जो कैंसर है या लंग्स के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर जो है, वो सब सिगरेट तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। यदि हम ये लोगों को, ज़्यादा से लोगों को शेयर करते हैं ना, लोग छोड़ देते हैं ना ये आदत, तो देखो हम ये देश का, मतलब देश को एम्पावर कर रहे, लोगों को एम्पावर करेंगे, देश बड़ा हो जाए, देश से कैंसर दूर हो जाएगा जो तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग से हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।